कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी। हाँ स्त्री तेरी कहानी, हाँ स्त्री तेरी कहानी। सो कैसी हो ज्योति? अरे भाई क्या हुआ, अपनी देवयानी मैम को ऑफिस में देखकर ताज्जुब हो रहा है? एनीवेज तुम अपने रवि सर का अच्छी तरह से ख्याल रख रही हो या नहीं? मैं समझी नहीं मैम। ओ मेरी भोली भाली ज्योति, सब कुछ अच्छी तरह से समझने के बावजूद कुछ भी ना समझने का नाटक अच्छा कर लेती हो तुम। गुड, चलो इस वक्त इस कैबिन से बाहर जाओ, मुझे रवि से इंपॉर्टेंट बात करनी है। जाओ। एक्सक्यूज मी सर। सो रवि, हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुम मुझसे बात करना नहीं चाहते, सुबह से अवॉइड जो कर रहे हो, लेकिन आई एम सॉरी रवि, मैं भी क्या करूँ, तुमसे अभी इस वक्त बात करना जरूरी है। तो चलो जल्दी जल्दी बताओ, क्या फैसला लिया है तुमने? रवि ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। सुमन जी का फोन था, उन्होंने मुझे पूछा कि एक्शन कर लो। तो ये तो तुम क्या फैसला लेते हो उस पर डिपेंड है ना? तो जब तक तुम कुछ बोलोगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? ठीक है, कुछ भी मत बोलो। मैं सुमन जी से कह देती हूँ कि कल सुबह घर पर पुलिस और मीडिया को लेकर आ जाओ। मैं भी घर पहुंचती हूँ। See you there. जो कुछ भी होगा ना उससे तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेचारी मम्मी जी, उनके दिल को ठेस जरूर पहुंच सकती है। और क्यों ना पहुंचे, समाज में बनाया हुआ इतना नाम रुतबा, बरसों से बनाई हुई इतनी इज्जत अगर एक पल में मिट्टी में मिल गई तो उनको ठेस जरूर पहुंच सकती है। उनका दिल इतना कमजोर क्यों है? हाँ, लेकिन खैर, पापा जी भी वहाँ पर अकेले अकेले बोर हो गए होंगे ना, उन्हें भी तो मम्मी जी का साथ चाहिए। क्यों पापा जी? तो चलो, उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। तो मैं सुमन जी को कह देती हूँ कि वो सारी तैयारियाँ कर लें। अब तो घर पर ही मिलते हैं। गुड बाय। ओ, तो तुम कुछ बोले। गुड, लगता है तुमने अब फैसला ले लिया है, तो तुम मुझे प्रॉपर्टी का 10% दे रहे हैं, है ना? नहीं देवेनी, मुझे सोचने का कुछ और वक्त चाहिए। वो रवि, तुम सोचते बहुत। ठीक है, मैं तुम्हें ये 1 घंटा और दे सकती हूँ, लेकिन इसमें तुम सोच लेना और प्लीज फैसला ले लेना। ठीक है, नहीं तो लापरवाही का अंजाम तुम जानते हो।
जानते हो लक्की, आज ना मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। अरे भाई क्या हुआ, अपनी देवयानी मैम को ऑफिस में देखकर ताज्जुब हो रहा है? एनीवेज ताज्जुब हो रहा है। एनीवेज तुम अपने रवि सर का अच्छी तरह से ख्याल रख रही हो या नहीं? मैं समझी नहीं मैम। ओ मेरी भोली भाली ज्योति, सब कुछ अच्छी तरह से समझने के बावजूद कुछ भी ना समझने का नाटक अच्छा कर लेती हो तुम। गुड, चलो इस वक्त इस कैबिन से बाहर जाओ, मुझे रवि से इंपॉर्टेंट बात करनी है। जाओ। एक्सक्यूज मी सर। सो रवि, हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुम मुझसे बात करना नहीं चाहते, सुबह से अवॉइड जो कर रहे हो, लेकिन आई एम सॉरी रवि, मैं भी क्या करूँ, तुमसे अभी इस वक्त बात करना जरूरी है। तो चलो जल्दी जल्दी बताओ, क्या फैसला लिया है तुमने? रवि ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। सुमन जी का फोन था, उन्होंने मुझे पूछा कि एक्शन कर लो। तो ये तो तुम क्या फैसला लेते हो उस पर डिपेंड है ना? तो जब तक तुम कुछ बोलोगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? कुछ भी मत बोलो। मैं सुमन जी से कह देती हूँ कि कल सुबह घर पर पुलिस और मीडिया को लेकर आ जाओ। मैं भी घर पहुंचती हूँ। See you there. लेकिन हाँ, जो कुछ भी होगा ना उससे तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेचारी मम्मी जी, उनके दिल को ठेस जरूर पहुंच सकती है। और क्यों ना पहुंचे, समाज में बनाया हुआ इतना नाम रुतबा, बरसों से बनाई हुई इतनी इज्जत अगर एक पल में मिट्टी में मिल गई तो उनको ठेस जरूर पहुंच सकती है। उनका दिल इतना कमजोर क्यों है? हाँ, लेकिन खैर, पापा जी भी वहां पर अकेले अकेले बोर हो गए होंगे ना,
उन्हें भी तो मम्मी जी का साथ चाहिए। क्यों पापा जी? तो चलो उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। तो मैं सुमन जी को कह देती हूँ कि वो सारी तैयारियां कर लें। अब तो घर पर ही मिलते हैं। गुड बाय। ठहरो देवेन। तो तुम कुछ बोले? गुड, लगता है तुमने अब फैसला ले लिया है। तो तुम मुझे प्रॉपर्टी का 10% दे रहे हैं, है ना?